नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत करनाल के नारकोटिक सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान नारकोटिक सेल को करीब 74,700 ऐसी प्रतिबंधित गोलियां मिली हैं जिन्हें बेचना अपराध है। इस आरोप में 3 लोगों को काबू किया गया है जिन्हें अदालत में पेश कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में नारकोटिक सेल के इंचार्ज मोहन लाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग प्रतिबंधित दवाइयां बेचने का काम करते हैं। इस आरोप में सबसे पहले गांव सौंकड़ा के रहने वाले गुरविंदर सिंह को काबू किया गया। उससे पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ कि वह करनाल के एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम अश्विनी है उससे वह दवाइयां देता है। इसके बाद जब अश्विनी को राउंडअप किया गया तो उसने करनाल के शिवाजी कॉलोनी के रहने वाले साहिल कुंद्रा का नाम बताया जो इन्हें बेचने का काम करता था। इस आधार पर पुलिस ने साहिल कुंद्रा को भी गिरफ्तार कर लिया है और सभी प्रतिबंधित दवाइयों को कब्जे में ले लिया गया। आरोपियों से कुल मिलाकर 74,000 से अधिक नशीली और प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई जिनका मूल्य करीब 40,00,000 से अधिक आंका गया है। सेल के इंचार्ज मोहन लाल ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वह इन सब चीजों को राजस्थान के सीकर से लेके आए हैं। इससे पहले वह इन्हें काला आम से लाते थे। मोहन लाल ने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की गहनता से जांच की जाएगी जो इन कार्यों में संलिप्त हैं, क्योंकि पुलिस कप्तान द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार नशे को रोकना उनकी प्राथमिकता है। जो भी व्यक्ति इस कड़ी में शामिल होगा उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। तो कैप्सूल हमने बरामद किए हैं, 3 मुलजिम इस पूरे केस में हमने इनको गिरफ्तार किया है, 3 मुलजिमों को। सबसे पहले हमने गुरविंदर है जो गाँव सौंकड़ा से, इसको गिरफ्तार किया था। इसके पास से 900 ट्रामाजोल और 600 अल्प्राजोलम के कैप्सूल और वो जो गोलियां थी वो हमने बरामद की थी और उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया। 3 दिन का इसका रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान इसने बताया कि ये अश्विनी नाम का एक आदमी है जो शिव कॉलोनी का है, गली नंबर 1 का, ये उसके पास से लेके आता है। इसकी निशानदेही पर हमने इसके साथ जाके अश्विनी को हमने काबू किया। अश्विनी ने फिर बताया कि ये तो खाली एजेंट है जो साहिल के लिए काम करता है और बीच में आगे ग्राहकों को पहुंचाने के लिए खाली कमीशन लेता है, कमीशन पे काम करता है। और इसकी निशानदेही पे फिर हमने साहिल को राउंड अप किया और साहिल के कब्जे से करीब 74,500 गोलियां हमने साहिल के कब्ज़े से बरामद की हैं। तो ये टोटल अब 74,700 गोलियां हैं। सर वहाँ पर लेकर जाने वाले थे ये या किसको देने वाले, उस बारे में कुछ लोकल इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट करनी थी क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं ये प्रोहिबिटेड हैं, NDPS के एक्ट के तहत आती हैं और इन पे जैसे पुलिस की लगातार सख्ताई नशे के विरुद्ध हो रही है क्योंकि स्टेट लेवल पे भी एक नारकोटिक ब्यूरो बना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है और भी अलग अलग से टीमें, जैसे हमारे समय समय पर SP साहब ने CIA 1-2 को भी खाली नशे के लिए स्पेशल हिदायतें दे रखी हैं कि नशे पर पूर्ण रूप से काबू पाया जाए। तो पुलिस की सख्ताई की वजह से तो ये लगातार जो बाकी नशे की खेपें थी वो करीब हमने बंद ही कर दी हैं और अब नशे की दवाइयाँ जो हैं इनका चलन ज़्यादा हो गया है तो ये नशे की दवाइयाँ लगातार बेच रहे हैं। अब इसने पूछताछ पे इसने बताया कि पहले ये काले अंब से लेके आता था और अब ये वाली खेप जो हमने इससे पकड़ी है ये सिक्कर से लेके आया राजस्थान से। क्या कुछ सर इसकी कीमत होगी पूरी इनसे? वैसे तो इनके जो इन ये बता रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ये बेच रहे हैं क्योंकि लोग एडवांस में ही इनको पैसे दे देते हैं, एडवांस बुकिंग होती है, आगे से भी इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही और ये हर रिस्क उठा के इनको गोलियों को लेके आते हैं। फिर भी करीब 35-40 लाख रुपये इनकी कीमत है। सर क्या दवाइयों की दुकान पर भी ये लोग सप्लाई करते हैं, आसानी से लोग दवाई की दुकान से मिल जाती है? नहीं, दवाइयों की दुकान का भी इन्होंने नहीं बताया। फिर भी जैसे रिमांड आज इसको कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा और इससे पूरी डिटेल इससे पता की जाएगी कि कहाँ से लेके आता है, किस तरीके से लेके आता है और आगे किस किस को ये कौन कौन इसके ग्राहक हैं, किस किस को दे रहा है लगातार ये। अभी और पता चलेगा कि ये इस चेन में और कौन कौन आरोपी हैं,
और हमारी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल लास्ट आदमी को भी हम इसमें गिरफ्तार करें, ताकि इसका पूरा खुलासा हो जाए कि ये कहाँ से बनती हैं, कौन इस तरीके से लेके आता है, जब ये प्रोहिबिटेड हैं और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में ये भेजी जा रही हैं, लाई जा रही हैं, तो हमारी कोशिश है कि बिल्कुल लास्ट आदमी को भी इसमें हम गिरफ्तार करें। इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि ये कहाँ से ली है? हाँ, इसने ये बताया कि ये सिक्कर राजस्थान से लेके आया, ये वाली जो खेप है, और इससे पहले ये काला अंब से भी लेके आता था। आगे इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड लिया जाएगा इसका साहिल का, और उस रिमांड के दौरान इससे बाकी कहाँ से लेके आता है और किस किस को देता है, सारे का खुलासा किया जाएगा। इसकी मुखबरी के आधार पे सूचना मिली थी, क्योंकि हमने मुखबर हमारे नियुक्त किए हुए हैं समय समय पे, और मुखबरी के बेस पे ही हमने इसको गिरफ्तार किया है। सबसे पहले हमने गुरविंदर को अरेस्ट किया था, ये करीब 60 साल का है, बुजुर्ग है, 55-60 साल का। इसके बाद हमने अश्विनी को गिरफ्तार किया है, अश्विनी की उम्र भी 55-60 साल है, और फिर साहिल को गिरफ्तार किए, करीब इसकी 25-30 साल का लड़का है, 30 साल का लड़का है साहिल, न्यू शिवाजी कॉलोनी का रहने वाला है। जी सर, तीनों के नहीं, एक सोंकड़ा से है, दो करनाल में है। हाँ जी, ये थे हमारे साथ नारकोटिक सेल के मोहन लाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने नशे की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। इस खेप को करनाल के विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जाना था। करीब 74,000 से अधिक ऐसी प्रतिबंधित दवाइयां पकड़ी हैं जिनको सरकार के द्वारा प्रतिबंध किया है जिला पुलिस कप्तान के आदेशों के बाद। इस खेप गुप्त सूचना के आधार पर मोहन लाल जी ने सबसे पहले करीब सोंकड़ा के रहने वाले गुरविंदर को गिरफ्तार किया। गुरविंदर की निशानदेही पर एक अश्विनी को गिरफ्तार किया, और अश्विनी की निशानदेही के बाद इन्होंने साहिल को गिरफ्तार किया। ये जिनमें से गुरविंदर, जिसकी उम्र लगभग 60 साल है, वह सुगांव सोंकड़ा का रहने वाला है, जबकि वो दोनों करनाल के रहने वाले हैं। अब इन सबको कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और मोहन लाल जी का यह भी कहना है कि उसके ऐसे हर आखिरी शख्स तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा जो नशे की खेप को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, नशे की खेप को करनाल में लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा इसे बिल्कुल ही प्रतिबंधित किया है। यह करनाल पुलिस की सबसे बड़ी मदद, करीब 75,000 ऐसी नशे की दवाइयाँ करनाल नारकोटिक सेल द्वारा बरामद की गई हैं, और 3 आरोपियों को पकड़ा भी गया है। इन 3 आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा, और उनका कहना यह भी है कि इस आखिरी कड़ी तक पहुंचा जाएगा, कैसे कहां से लाया जाता है। हालांकि अभी इन्होंने बताया कि यह भी सिक्कर राजस्थान से लेकर आए हैं, इससे पहले ये काला आम से लेकर आते थे। अब सोच रहे हैं कितनी हैरानी वाली बात है कि राजस्थान से करनाल तक यह खेप पहुँच चुकी थी। अगर नारकोटिक सेल को समय पर यह सूचना ना मिलती तो यह दवाइयाँ कई दुकानों पर चलती, और कई लोग जो कि नशे के आदि हैं उन्हें और बढ़ावा मिल सकता था। यह करनाल पुलिस के बहुत बड़ी मेहरबानी, बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मैं तरुण उदान, सीनियर कैमरा पर्सन, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.